नमस्कार, जी राजस्थान न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोवर। खबरों की शुरुआत करते हैं दातारामगढ़ से, जहां अनूठा रक्तदान शिविर हुआ। इसमें 51 लोगों ने रक्तदान किया। दातारामगढ़ गांव में यादराम कुमावत के बेटे सोनू कुमावत की शादी पर रक्तदान शिविर लगाया गया था, जहां दूल्हे और बारातियों ने रक्तदान किया। पनियाला में वार्षिक बैठक सरपंच की अध्यक्षता में हुई। इसे पशु अस्पताल से मठ मीना तक गौरव पथ निर्माण की बात कही गई। गौरव पथ निर्माण के लिए रास्ते में आने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस भी सौंपा गया है और 3 दिनों में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी भी दी गई है। चेचक गांव में लगे एटीएम का ग्रामीणों को कोई फायदा नहीं मिलता। यहां गायों का जमावड़ा लगा रहता है, गंदगी फैली रहती है। फतेहपुर में विश्व मुद्रा दिवस पर भारतीय कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक नंदकिशोर महरिया मौजूद रहे और किसानों को मृदा कार्ड बांटे गए। पाटड़ी तालाब में डूबे युवक का शव पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के बाद निकाला। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटपुतली में एलिवेटेड पुलिया विस्तारीकरण की मांग को लेकर पुलिया विस्तार संघर्ष समिति के बैनर तले 26 दिन से धरना जारी है। मेड़ता रोड में किसान सेवा केंद्र में सॉयल हेल्थ कार्ड वितरण समारोह हुआ। इस दौरान कृषि अधिकारी सरला चौधरी ने किसानों को 800 हेल्थ कार्ड बांटे। डूंगरपुर कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने बेहना गांव का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान कलेक्टर ने गांव में चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनकल्याण शिविर का निरीक्षण किया। नीमका थाना के गणेश्वर अटल सेवा केंद्र में बिजली विभाग के अधिकारियों ने लोगों से संवाद किया। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी भी मौजूद रहे और बिजली चोरी रोकने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। गणेश्वर तीर्थ को पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाए जाने की मांग की गई। बीजेपी के बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के अभियान के तहत प्रदेश संगठन महामंत्री ने कोटपुतली का दौरा किया। चंद्रावला गांव में मृदा स्वास्थ्य जागरूकता दिवस कार्यक्रम के दौरान किसानों को मृदा के स्वस्थ रखने के उपाय बताए गए। पादरबड़ी के राजकीय प्राथमिक स्कूल में हैंडपंप खराब है और पेयजल समस्या बनी हुई है। स्कूल के बच्चों को पानी और पोषाहार तक नहीं मिल पा रहा और स्कूली बच्चे खुद कई किलोमीटर दूर से पानी लेकर स्कूल आते हैं। अटियासन के कृषि विज्ञान केंद्र पर कृषि वैज्ञानिक सलाहकार बैठक में विधायक हबीबुर रहमान ने किसानों को कृषि की नई तकनीक अपनाने पर जोर दिया। कोटपुतली में जारी रक्तमणि कार्यक्रम में राजकीय बीडीएम अस्पताल में पड़ावास वार्ड नंबर 28 में अमित कुमार आर्य और चंचल यादव ने रक्तदान किया। सांगोद में भूमि विकास बैंक के नवनिर्वाचित सदस्यों का बैंक में स्वागत हुआ। सुवादिया के बास गांव में लोक देवता बाबा रामदेव मूर्ति का अनावरण समारोह आयोजित किया गया। दूदू के कुड़ियाला गांव में सरपंच के पंचायत कार्यालय न आने के विरोध में ग्रामीणों ने हंगामा किया। इस मामले को लेकर गांव के लोगों ने बीडीओ से शिकायत की और पंचायती राज नियमों के मुताबिक कार्रवाई की मांग की। राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय बनकोड़ा में साइकिल वितरण समारोह में 68 बच्चियों को साइकिल बांटी गई। यात्रा के एनएच 15 पर अनेरी गांव के तालाब के पास अचानक आग लग गई, जिसे लोगों ने खुद काबू किया। खाटू श्यामजी में अटल सेवा केंद्र में सरपंच की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें सफाई व्यवस्था के लिए कचरा संग्रहण गाड़ी खरीदने का प्रस्ताव लाया गया। कोटखावदा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मोबाइल वैन खाजपुला और अकोडिया पहुंची और स्कूल में बाल विवाह रोकथाम शिविर लगाया गया। रोसलिया गांव में सीएफएसएल गदेपान की तरफ से किसानों को मृदा स्वास्थ्य को लेकर जरूरी जानकारी दी गई। कालू गांव में शादी के नाम पर युवती को बेचने और रेप के मामले को लेकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुपड़ा गांव से गुजर रहे बाईपास पर तेज रफ्तार जीप रोड से नीचे उतर गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। नागौर विधायक हबीबुर रहमान ने ग्रामीण इलाकों के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। करावाड़ा पंचायत पर अजमेर डिस्कॉम की ओर से दुर्घटनाओं और बिजली के दुरुपयोग को रोकने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम हुआ। चिड़ियावासा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में नहर के रिसाव का पानी भर गया, जिससे परिसर में तालाब बन गया। टोल करणसर में मूंगफली की सरकारी खरीद 6 और 7
को बंद रहेगी। मौसम विभाग की तरफ से बारिश और तूफान की चेतावनी। फागी पंचायत समिति के वार्ड नंबर 12 में उपचुनाव होने हैं और इसके लिए कांग्रेस प्रत्याशी भूरी गुर्जर ने नामांकन भरा है। ये पद पूर्व पंचायत समिति सदस्य का आरएएस में चयन के चलते खाली हुआ था। मोहन कॉलोनी और रानी तलाई मार्ग पर अचानक एक पेड़ गिर गया जिसके नीचे बाइक दब गई, कोई जनहानि नहीं हुई। श्रीविजयनगर में तहसील में बने शौचालय बदहाल है और स्वच्छता मिशन का कोई असर यहां पर नहीं दिखता। मानिया के मांगरोल में कई महीने से जर्जर नाले के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत से शिकायत की। नाला सफाई और निर्माण कार्य के लिए 5 लाख रुपए का प्रस्ताव पास होने के बाद काम शुरू किया गया। चौमू में सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी के बाद हुए तनाव को दूर करने के लिए पुलिस की तरफ से शांति की अपील की गई। ब्यावर में श्री सीमेंट लिमिटेड ने श्री पेयजल योजना के तहत रावला की बाड़ियों में 2000 लीटर क्षमता की पानी की टंकी लगवाई है। श्रीगंगानगर के 24 जीबी गांव में महिला प्रशिक्षक ने महिलाओं की बैठक ली और कई समस्याओं को निदान को लेकर चर्चा की गई। कुरावड़ के राजकीय विद्यालय में प्रतिभावान छात्राओं को साइकिल बांटी गई। सपोटरा पंचायत समिति के सभागार में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ने बैठक ली और इस दौरान पोषाहार का डीईओ ऑफिस से भुगतान न होने पर शिकायत सामने आई। धौलपुर में एडीएम एसडीएम और बीडीओ ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारियों की समीक्षा की। चौमू में हुए तनाव के बाद वकीलों ने कार्य बहिष्कार करके आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जवाजा में बाइक सवार को सवारी गाड़ी ने कुचल दिया लेकिन पुलिस मामले की जांच अभी तक नहीं कर पाई है। पूरा खेत कानपुरा रोड पिछले लंबे वक्त से बदहाली का शिकार है लेकिन शिकायत के बावजूद मरम्मत नहीं करवाई जा रही। हिंडौन सिटी में विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस पर कृषि पर्यवेक्षक ने कमालपुरा गांव में चौपाल लगाई और किसानों को मृदा की जांच करवाने को कहा। श्री माधोपुर में विधायक झाबर सिंह खर्रा ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। दूदू के राजीव गांधी भवन कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, इसमें पार्टी की मजबूती पर चर्चा की गई। मानिया में कलेक्टर शुचि त्यागी ने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। हरमाड़ा थाना इलाके में ट्रक मकान की दीवार तोड़कर अंदर घुस गया, गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मालपुरा में 18 ग्राम पंचायतों में विद्युत जनसंवाद कार्यक्रम में अटल सेवा केंद्र में कार्य किया गया। गेंगला में खान विभाग ने अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई करते हुए एक डंपर को जब्त किया है। इंदौर सिटी के वार्ड नंबर 38 में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बड़गांव में तेज रफ्तार कार पलट गई, हादसे में घायल ड्राइवर को अस्पताल लाया गया। श्रीडूंगरगढ़ में बजरंग दल और रहीप ने सांप्रदायिकता के नाम पर दंगा करने वाले लोगों के खिलाफ विशाल रैली निकाली। सरमथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले विशेष योग्यजनों का प्रमाणी पत्र दिया गया। हरमाड़ा इलाके में 2 सांडों की लड़ाई के दौरान 2 लोग घायल हो गए। सवाईमाधोपुर जंक्शन पर आरपीएफ ने रेलवे नियमों की अवहेलना करने वाले 20 लोगों को पकड़कर रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। सरवाड़ में 2 दिन से हो रही बूंदाबांदी से ठंड बढ़ गई है, सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उदयपुर के टीडी थाना अधिकारी ने खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। हिंडौन सिटी के राजकीय कॉलेज में योग शिविर लगाकर छात्र छात्राओं को योग सिखाया गया। लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। सरमथुरा मंडल बीजेपी की बैठक में नए कार्यकर्ताओं को पार्टी के रीति रिवाज से अवगत करवाया गया। चौमू में तनाव के बाद 2 दिन से बाजार बंद है, आम लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए व्यापारियों से बाजार खोलने की अपील की गई। सवाईमाधोपुर के रेलवे स्टेशन की कैटेगरी निर्धारण नियमों में फेरबदल किया गया है, नई श्रेणियों को सब अर्बन, नॉन अर्बन और हॉल्ट का नाम दिया गया है। रायसिंह नगर में ग्राम पंचायत 11 टी के उप और 9 टी के में एसडीएम सत्यवीर यादव ने जनसुनवाई की। ग्रामीणों ने एसडीएम से पेयजल किल्लत की शिकायत की जिसके बाद एसडीएम ने आश्वासन दिया है। बाड़ी सामान्य चिकित्सालय में राज्य सरकार की तरफ से 36 नई जांचों के लिए पीपीपी मॉडल के आधार पर प्रस्तावित योजना को हरी झंडी दी गई। अब सामान्य चिकित्सालय में कुल 83 जांच मुफ्त होंगी। संगरिया के ढाबा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र की दीवार टूटी होने के चलते आवारा पशु यहां घूमते हैं जिससे छोटे बच्चे जख्मी हो सकते हैं।
मुंडवा में स्वच्छता को लेकर पालिका अध्यक्ष घनश्याम सदावत ने निर्देशन में अभियान जारी है। भिंडवाड़ा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, इसमें दिव्यांगों को प्रमाण पत्र बांटे गए। गंगधार में पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, हादसे में घायल युवक को मंदसौर रेफर किया गया। रावतसर में एमडी कॉलेज में 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, निदेशक कैलाश शिवर ने यह उद्घाटन किया। गागड़तलाई से चोरी हुई बलैरो जीप गुजरात बॉर्डर पर मिली है, जिसे पुलिस ने उसके मालिक को सौंप दिया है। डग पंचायत समिति के जगदीशपुरा पंचायत में सरपंच पद को शून्य घोषित करने के बाद अमृत कंवर ने सरपंच पद संभाला है। मानेलगढ़ के वार्ड नंबर 3 में पंचायत समिति सदस्य का उपचुनाव के लिए मतदान 17 दिसंबर को होगा। चदेला पंचायत में कई दिनों से हैंडपंप खराब पड़े हैं, ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। संगरिया में पतंजलि योगपीठ के सदस्यों ने पालिका अध्यक्ष नथु सैनी से मिलकर योग भवन के निर्माण की मांग की। झालावाड़ के पुलिस परेड ग्राउंड में गृह रक्षा स्थापना दिवस का समारोह आयोजित किया गया। रावतसर में सर्व शिक्षा अभियान के तहत पंचायत समिति सभागार में अध्यापिका मंच की कार्यशाला हुई। रायला के रास चौराहे पर लोहे की प्लेटों से भरे ट्रोले के टायर फटने से ट्रोले ने जीप को टक्कर मार दी। गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर रेलवे के सतर्कता दल ने औचक जांच में 80 अनियमित यात्री पकड़े, 73,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। कानपुर में मीणा समाज मंदिर परिसर में युवाओं ने स्वैच्छिक रक्तदान करके 101 यूनिट रक्तदान इकट्ठा किया। केशवराय पाटन में कृषि विभाग ने विश्व मृदा दिवस पर पंचायत समिति परिसर में महिला किसानों ने प्रशिक्षण लिया। सादुल शहर में यूथ कांग्रेस से संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। कामा के नौनेरा में स्वच्छता अभियान का असर देखने को नहीं मिल रहा है। गांव में गंदे पानी की निकासी का इंतजाम न होने की वजह से उप तहसील मुख्यालय को जोड़ने के लिए बनी रोड पर कीचड़ फैला रहता है। गंगरार के खोसुंडा गांव में ग्राम सेवक से मारपीट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर ग्राम सेवकों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। 11 ऐसे गांवों में ग्रामीणों की मांग पर हॉस्पिटल का निर्माण करा दिया गया है, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी। बैर के गांगरोली में घरों में गंदा पानी रोड पर जमा होने की वजह से शिकायत दी है और इसमें कोई अभी तक समाधान नहीं किया गया। वहीं जल भराव से मच्छर गांव में पनक रहे हैं, बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। गंगरार में सड़कों की हालत खराब है, यहां रोड पर गड्ढे हो चुके हैं जिस पर पैच वर्क कराया जा रहा है। इससे पहले पैच वर्क कराया गया था, जिसके अच्छा न होने की वजह से एक बार फिर से सड़कों की हालत खस्ता है, ग्रामीणों गुस्सा है। सिरोही जिला प्रमुख पायल परसराम पुरिया ने अजारी के मारकुंडेश्वर धाम का दौरा किया। इस दौरान प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए मास्टर प्लान बनाने की बात कही गई। कोटड़ी के पारोली गांव में एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, पुलिस मामले की जांच कर रही है। घरसारा में रोटरी चौक से अस्पताल तक रोड निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल का आरोप लोगों ने लगाया। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। स्वच्छ दूध उत्पादन की बुनियाद पड़े कैसे, जब करें एलोवेरा की खेती, उपज से मिले बंपर पैसे। कृषि दर्पण सुबह 6:27 पर। आज हमारी मेहमान है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर पूजा गांधी। अपनी सोसाइटी में एक हिच है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है उसको छुपा के रखो, उसको बाहर मत निकालो, बट ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव सीन कपल्स विद इन 1 ईयर ही वो लोग आते हैं हमारे पास, वो ट्रीटमेंट भी लेते हैं एंड दे बिकम फर्टाइल ऑल्सो।
चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में सजेगी सुरमई शाम। रूहानी गायक सतिंदर सरताज का छाएगा जादू। रहिए तैयार, मेगा सोशल इवनिंग 8 दिसंबर 6:30 to 9:30 PM फ्री एंट्री फॉर ऑल। इंडिया फर्स्ट मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल, अ यूनिक इवेंट जॉइंटली प्रमोटेड बाय पंजाब गवर्नमेंट, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेस्टर्न कमांड। कम एंड बी अ पार्ट ऑफ द मेगा फेस्टिवल। रजिस्टर नाउ। All events are open to the general public. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, बता दें कि पेलोदा थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5 अवैध कारतूस और 315 बोर के कट्टे बरामद किए गए। केसरी सिंहपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल परिसर में नशा मुक्ति अभियान के तहत छात्रों को नशे के साइड इफेक्ट बताए गए। बकानी में मां शारदे बालिका छात्रावास के पीछे 14 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस जमीन से पहले भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन एक बार फिर से कब्जा करने पर दोबारा कार्रवाई की गई। ग्राम पंचायत आलमशाह में 9 गांवों में पानी की किल्लत होने से मजबूरी में ग्रामीण खारा पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीणों ने सरकार से आरओ लगाने की मांग की है, वहीं स्वास्थ्य केंद्र न होने से मरीज परेशान रह रहे हैं। श्री सावलिया जी मंदिर से विस्थापित हनुमान जी की मूर्तियां लंबे वक्त के बाद भी टेंट में रखी हुई हैं। टिब्बी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योगी जन शिविर के दूसरे चरण में पहले ही दिन शिविर देरी से शुरू हुआ। सीएमएचओ और एसीएमएचओ ने शिविर प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र स्वामी पर नाराजगी जाहिर करते हुए ओपीडी देखरेख कर रहे डॉक्टर से भी शिविर शुरू करवाया। ग्राम पंचायत पिचुना में गंदगी के चलते लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। एक तरफ जहां मच्छर मक्खियों की तादाद बढ़ रही है, वहीं गंदगी के चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं। नैनवा कॉलेज में गुजरात पुलिस टीम ने छात्रों को भूकंप और बाढ़ की स्थिति से निपटने की जानकारी दी। बहेड़ा में शनिवार को 12 वफात जुलूस के दौरान माहौल गरमाने के बाद अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन दोनों समाज के लोगों के साथ बैठकर समझाइश की कोशिश में लगा हुआ है। जैतसर थाना पुलिस ने एक शख्स को नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। उतराना गांव में एक शिक्षक के वेतन रोकने से नाराज छात्रों ने लाखेरी बूंदी मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना पर एडीओ मौके पर पहुंचे और छात्रों से समझाइश के बाद मामला शांत कराया। घरसाना में फीस बढ़ोतरी के विरोध में उतरे एनएसयूआई एसएफआई ने कॉलेजों में हड़ताल करवा दी और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। लाखेरी के मुख्य बाजारों और रास्तों में गायों को शहर के बाहर करने के चेयरमैन की पहल का विरोध शुरू हो गया है। लोगों ने गायों की सुरक्षा को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। सादुल शहर के गुरुकुल स्कूल में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। उधर बूंदी में कोर्ट ने 5 साल पहले की एक युवक की तरफ से पेश इस्तगासे पर प्रसंज्ञान लेते हुए तत्कालीन नैनवा थाना अधिकारी एसआई के खिलाफ रिपोर्ट मांगी। कोलायत में समाज कल्याण विभाग पर के छात्रावास पर छात्रों ने तालाबंदी कर दी। तालाबंदी की सूचना पर समाज कल्याण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश की। वक्त पर हॉस्टल का गेट न खुलने और कर्मचारियों के नदारद रहने से छात्रों ने हंगामा किया था। वैर कस्बे में छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज खोलने की मांग उठने लगी है। इस मामले को लेकर उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। 12 के कई वार्डों में गंदगी से लोग बेहाल है। वार्ड नंबर 17 में सड़कों पर गंदा पानी भरा होने से लोगों का निकलना दूभर हो गया है। वहीं स्कूली बच्चे भी परेशान रहते, सफर व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। टूपास के चंदौली गांव में स्वच्छता अभियान का असर नहीं दिखता, मेन रोड पर ही गंदगी फैली है। ग्राम पंचायत और प्रशासन की उदासीनता के चलते मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण भी हुआ है, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। लक्ष्मणगढ़ में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर विवाद शुरू हो गया है। नगर पालिका उपाध्यक्ष साकर सोलंकी और प्रतिपक्ष के नेता संपत चेजारा समेत पार्षदों ने नवीन बस स्टैंड पर धरना दिया। टोंक के मालपुरा में धोली ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कलेक्टर सूबे सिंह यादव ने जनसुनवाई की। इस दौरान अधिकारियों द्वारा झूठे आंकड़े पेश करने पर ग्रामीणों ने कलेक्टर के सामने नाराजगी जताई।
मासलपुर के पास हादसा हुआ है। हादसे में दो महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गई। अनूपगढ़ में बजरंग दल और विश्वविंदु परिषद की ओर से शौर्य दिवस के मौके पर बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली से पहले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह अभियान चलाकर 500 कार्यकर्ताओं का दल के साथ जोड़ा और रैली शिव मंदिर से शुरू हुई। शेरगढ़ के पास अंबेडकर सर्किल पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीगंगानगर में कोहरे और ठंड की वजह से अब गेहूं और सरसों की फसल को फायदे की उम्मीद किसानों को है। डूंगरपुर में ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो गया, इसके साथ ही बारिश भी होने लगी है। मौसम में आए बदलाव का असर जनजीवन पर देखा गया। चित्तौड़गढ़ में भी घना कोहरा और ठंड बढ़ गई है और लोगों की परेशानी भी इसकी वजह से बढ़ गई है। उदयपुर में रिमझिम बारिश के साथ ठंड की ठिठुरन बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में सर्दी के तीखे तेवर नजर आने लगे हैं। लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। रामगंज मंडी में मावठ गिरने से सर्दी में तेजी आई है, वहीं किसानों को फसलों में फायदे की उम्मीद लगी है। चित्तौड़गढ़ में बारिश के बाद सर्दी का एहसास लोगों को हुआ है और अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। इसके साथ बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।